वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए कोई रेमेडी नहीं लाई हूँ, कोई होममेड टिप नहीं लाई हूँ, बल्कि मैं आपके लिए करने आई हूँ आज प्रोडक्ट रिव्यू। जी, वो प्रोडक्ट है एक फेस सीरम। मेरे हाथ में इस वक्त है मिरहा ब्यूटी का एक प्रोडक्ट जिसका नाम है 24K गोल्ड सीरम बाय मिरहा ब्यूटी। ये मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसकी पैकिंग की हालत भी थोड़ी ख़राब हो गई है क्योंकि मैं इसे काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने आज सोचा, इसके रिज़ल्ट देखते हुए मैंने आज सोचा कि मैं आपसे इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँ। हो सकता है अगर आप कोई भी 24K गोल्ड सीरम परचेज करना चाहते हैं, पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो किसी अच्छी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करें ताकि आपको उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिल सके। तो मैं यूज़ करती हूँ ये मिरहा ब्यूटी का 24K सीरम। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा ही बचा है मेरे पास। इसमें ये पूरा था और मैंने यूज़ कर करके इसे थोड़ा सा ही छोड़ा है। तो आज मैं इसे ना सिर्फ इसके बेनिफिट्स में आपको बताऊंगी, बल्कि मैं आपको करने बताऊंगी फेस लिफ्टिंग मसाज के स्टेप बाय स्टेप तमाम डिटेल। परचेज करना चाहते हैं अपनी स्किन के लिए जिससे आपकी स्किन पर ग्लो आ जाए, ड्यूई लुक आ जाए और एंटी एजिंग हो वो सीरम, तो ये आपके लिए बेस्ट है। ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, तो आप भी मिरहा ब्यूटी के पेज से जाके ले सकते हैं और ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिला था और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कुछ इस पे लिखे हुए भी हैं, मैं आपको बता देती हूँ। एंटी एजिंग है ये, कीप योर स्किन यंग ब्यूटीफुल एंड एनर्जेटिक, और ये हर स्किन टाइप के लिए है, तो आप इसे बिल्कुल बेफिक्री से आराम से यूज कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा है। ये एक एंटी एजिंग सीरम है, इसलिए एज के हिसाब से जो हमारे स्किन पर सारे साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं, अगर आप 30+ हैं या फिर आप 30+ नहीं हैं लेकिन आपके ऊपर प्री मेच्योर एजिंग के सारे साइंस आ रहे हैं, यानी आपकी स्किन सैग कर रही है, आपकी स्किन पर रिंकल्स आने लगे हैं, फाइन लाइन्स आने लगी हैं, स्माइल लाइन आने लगी है, या फिर आपके आईज की तरफ यहाँ लाइन्स पड़ने लगी हैं, तो ये सीरम आपके लिए बेस्ट है। लेकिन इससे मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही अच्छे मसाज स्टेप्स। अगर आप रोजाना वो मसाज स्टेप करेंगी तो फिर यकीनन आपको कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं रोजाना इसका मसाज करती हूँ, लिफ्टिंग मसाज करती हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि लिफ्टिंग मसाज किस तरह से और किस अंदाज में और किस स्टेप से करना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो यहाँ पर आ गए हैं हम और मैं आपको करना बताऊंगी लिफ्टिंग मसाज। तो सबसे पहले सीरम हम लेंगे और इसे अपने फेस पे अच्छी तरह अप्लाई कर लेंगे, ना बहुत ज़्यादा सीरम लेंगे हम, और क्योंकि ये थोड़ा ऑयल बेस्ड सीरम है, बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है लेकिन बहुत थोड़ा सा ऑयल बेस्ड है, इसलिए हम इसे दरमियानी मिकदार में लेंगे। और ये इसके में इजी 8 स्टेप आपको सिखाऊंगी जो बहुत ही ईजी हैं और रोज़ाना आपको करने हैं ये ईजी 8 स्टेप्स मसाज। सबसे पहले जो स्टेप है, स्टेप नंबर 1, वो एक सर्कल डायरेक्शंस में हम अपनी चीक्स पर मसाज करेंगे। ये देखें, सर्कल डायरेक्शन में हमें अपने चीक्स पर मसाज करना है। प्रेशर ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए, एक नॉर्मल प्रेशर डालना है हमें अपने फेस पे अपनी फिंगर्स के ज़रिए, और सेंटर वाली जो फिंगर है सबसे ज़्यादा प्रेशर उसका होना चाहिए, क्योंकि ये जो सेंटर वाली हमारी फिंगर होती है उसमें ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है फेस पर और ना बहुत कम, एक दरमियाना प्रेशर लगता है। लेकिन हम अपनी बाकी उंगलियों को भी यूज़ करेंगे लेकिन प्रेशर जो होगा वो सेंटर वाली फिंगर का होगा और सर्कल मोशन में हम स्टेप नंबर मसाज करेंगे। दोनों फिंगर्स के ज़रिए हम अपने दोनों फिंगर से चिन पर मसाज स्टार्ट करेंगे और इस डायरेक्शन में हम चिन को ऊपर की तरफ फिंगर्स के ज़रिए मसाज करेंगे। जी, तो इसके बाद ये हम अपनी फिंगर्स को फोल्ड करके अपनी फिंगर बोन के ज़रिए चिन को अपवर्ड लेके जाएंगे और इस तरह मसाज करेंगे जैसा आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आपको मसाज करना है। दोनों फिंगर के बीच में अपनी चिन को लेकर ऊपर की तरफ लेकर आना है और हर स्टेप को कम से कम आपको 3 मिनट तक रिपीट करना है। अब स्टेप नंबर 3 बताऊँगी मैं आपको, और स्टेप नंबर 3 है कि हम अपनी आईज के नीचे से, सेंटर फिंगर से अपनी आईज के नीचे से
लेकर ऊपर आईब्रो तक, आईब्रो की एज तक हम मसाज करेंगे, ऊपर की तरफ लेके जाना है हमें, क्योंकि ये लिफ्टिंग फेशियल है, लिफ्टिंग मसाज है, इसलिए हमारा हर स्टेप अपवर्ड होगा। हम इसे नीचे की तरफ नहीं लाएंगे बल्कि ऊपर की तरफ तमाम हमारे स्टेप्स होंगे। इस तरह हम ऊपर की तरफ मसाज करेंगे और इससे जो हमारी आईज में, आईज के साइड्स में और ये फाइन लाइंस हो जाती हैं, वो हमें इससे छुटकारा मिलेगा। स्टेप नंबर फोर है, और स्टेप नंबर फोर है कि हमें अपर लिप्स और लोअर लिप्स के बीच में ये इस तरह से हमें सर्कल मूवमेंट के ज़रिए हमें मसाज करना है, राउंड राउंड हमें मसाज करना है और ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना फिंगर्स का, बिल्कुल लाइटली और जेंटली हमें मसाज करना है, बिल्कुल इस तरह से। और हर स्टेप को हम 3 से 5 मिनट तक रिपीट करेंगे, कम से कम यानी मिनिमम 3 मिनट्स तक हम हर स्टेप को फॉलो करेंगे और फिर आप रिज़ल्ट देखेंगे। कुछ ही दिनों में आप रिज़ल्ट देखिएगा जी। तो स्टेप नंबर 5 है ये हमारी आईब्रो और फोरहेड का, कि जो ये आईब्रो नीचे की तरफ झुक जाती है और इसमें रिंकल्स आ जाती हैं, हुडी आईज हो जाती हैं हमारी, उसके लिए मैं ये मसाज बताऊंगी। ये फिंगर्स की हेल्प के ज़रिए अपनी आईब्रोज और अपनी आईलिड और फोरहेड को अपर डायरेक्शन में मसाज करना है। इस तरह से बिल्कुल आपको जेंटली मसाज करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, बिल्कुल स्मूथली आपको मसाज करना है। इस तरह से अपर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ले जाते हुए दोनों हाथों की मदद से इस तरह मसाज करेंगे। कम अज़ कम 3 मिनट तक मसाज रिपीट करना है। जी तो स्टेप नंबर 6 है ये प्रेशर पॉइंट्स का। प्रेशर पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये हमारे चीक्स पर जो बोन है, चीक्स के बोन पर हमें प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, उन प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करना है, जिसके ज़रिए हमारी स्किन में टाइटनिंग आएगी, स्किन में लिफ्टिंग आएगी, स्किन सप्पल होगी और तमाम तर जो रिंकल्स और फाइन लाइंस होंगी वो रिमूव होंगी, ग्रेजुअली वो रिमूव होंगी। ये तमाम तर जो प्रेशर पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आपको बिल्कुल इन्हीं को फॉलो करना है। उसके बाद हम अपनी चीक्स पे मसाज करेंगे, इन्हें अपर डायरेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। और स्टेप नंबर 7 है, दोनों फिंगर्स की मदद से हम अपनी चीक्स को आईज की तरफ ऊपर फोरहेड की तरफ ले जाते हुए इस तरह मसाज करेंगे और इन्हें 3 मिनट तक हमें ये मसाज करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में हमें ये मसाज करना है। तमाम तम हमारे स्टेप्स कुछ ही इस तरह से होंगे और ये बिल्कुल इजी हैं, आप एक दफ़ा देखकर भी समझ जाएंगी और दोबारा ख़ुद करेंगी। स्टेप नंबर 8 है कि हम अपनी दोनों फिंगर्स के ज़रिए, यानी दोनों हाथों की दोनों फिंगर्स के ज़रिए आईज के बीच में और आईज की साइड्स में से इस तरह से मसाज करेंगे, फिंगर्स को ऊपर ले जाते हुए प्रेशर देते हुए इस तरह मसाज करेंगे। और इसका फ़ायदा ये है कि जो हमारी आईज की साइड में जो रिंकल्स हो जाती हैं वो इससे रिमूव होंगी और ये बहुत ही बेनिफिशियल स्टेप्स हैं, बहुत अच्छा मसाज है ये। आपको रोज़ाना रात को, मैं रिकमेंड करूँगी कि रात को सोने से पहले करें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।